अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने एंड्रॉइड मोबाइल से आप किसी भी फार्मर को जो है आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ को आप किस तरीके से बगैर किसी सॉफ्टवेयर के आप अपने जो है मोबाइल से ही उसे एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी पिक्चर्स को, अपने जो है एक्सेल की फाइल्स को, अपने वर्ड की फाइल को आप आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुरंत वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर, ताकि मेरी हर नई आने वाली आई टी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चले शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से पीडीएफ फाइल को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर किसी भी फॉर्मेट को आपने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना हो, या अगर आपने पीडीएफ फाइल को एडिट करना हो तो वो किस तरीके से अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने इधर लिखना है smallpdf.com। smallpdf.com लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मैंने इसमें बहुत सारे फीचर हैं, आप किसी भी फॉर्मेट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को किसी भी फॉर्मेट में जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं किसी भी एक फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तरीका का सबका सेम ही है, इसी तरीके को आपने फॉलो करके करना है। तो मैं एक जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने सिंपल ही चूज फाइल पर क्लिक करनी है और जो है अपनी गैलरी से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी गैलरी से एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपने अगर तो इसका किसी का साइज़ सेट करना है तो आप साइज़ भी सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपने सिंपल ही क्रिएट पीडीएफ नाउ पर क्लिक कर देनी है और ये आपकी फाइल जो है जनरेट हो रही है। फ्रेंड्स, अगर तो आपने डाउनलोड करना है अपनी गैलरी में तो इधर से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आप शेयर फाइल करना चाहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं, तो इधर से शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे वाला है सेव टू ड्रॉप बॉक्स। तो अगर आप क्लाउड स्टोरी में सेव करना चाहते हैं तो आप सेव टू ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। और उसके बाद सेव टू गूगल ड्राइव, आप सेव टू गूगल ड्राइव पर क्लिक करके अपनी गूगल ड्राइव में ये वाली फाइल जो है फॉर्मेट सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसे डाउनलोड फाइल पर क्लिक करता हूं ताकि ये मेरी गैलरी में ही डाउनलोड हो जाए। तो फ्रेंड, ये जो मेरी फाइल है ये डाउनलोड हो रही है। फाइल जो है आपको किधर मिलेगी पीडीएफ की फाइल? फ्रेंड्स, आपने अपने जो है फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने सिंपली डाउनलोड में आना है। तो ये आपकी फाइल होगी, ये डाउनलोड बॉक्स में होगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैं इसे किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लेता हूं। तो ये देख सकते हैं मेरी पीडीएफ की फाइल जो है रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपने पीडीएफ की फाइल को जो है एडिट करना है तो फ्रेंड्स आपने सिंपल ही उसी वेबसाइट में आना है। उसी वेबसाइट में आने के बाद बैक आना है। उसी वेबसाइट में आने के बाद फ्रेंड्स आपने ये इधर नीचे एक ऑप्शन होगा एडिट पीडीएफ, इस पर क्लिक करना है। चूज एडिट जो फाइल होगी पीडीएफ की उसे सेलेक्ट करना है, फाइल में आना है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपकी पीडीएफ की फाइल होगी आपने इसमें आ जाना है। तो ये मैंने जो फाइल थी बनाई इसे मैं क्लिक करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है। तो ये जो आपकी फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। आपने इस पर कोई किसी भी किस्म की जो एडिटिंग करनी है तो आप आसानी से इधर जो है आकर कर सकते हैं। और फिनिश पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप उसी तरीके को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से पीडीएफ फाइल्स को एडिट भी किया और उसे पीडीएफ फाइल को बनाया भी। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।